देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखे थे 3D का। आज पहले 10 मिनट उसके रिवीजन कराएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, समझ गए? पहले 10 मिनट पिछले क्लास के रिवीजन कराते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो 3D, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 3D, समझ गए? शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 3D। और क्या हम लोग पढ़े थे, कितने नंबर का आएगा इससे? 13 नंबर का मोटा मोटी बोले थे, इससे क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है? 13 नंबर का आएगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक चीज देखिए कि यदि इस तरह से रहता है, इसको x, इसको x डैश, ये y डैश, ये आपका हो गया 0 ओरिजिन। तो इसको कौन सा सिस्टम हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग 2-dimensional कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, या 2-dimensional सिस्टम बोलते हैं, समझ गए? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं 2-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ गए? यहाँ देखो, 2-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको हम लोग r cross r या r² से भी इसको डिनोट करते हैं। ये जो अभी बताए, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए हो रहा है, समझ गए? इसी को हम लोग r cross r या फिर r² से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, क्लियर है? जिसमें से आपका xO x' ये कहलाता है एक्स एक्सिस, और YO y' ये क्या कहलाता है? वाई एक्सिस। XO x' क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस। और YO y' क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस कहलाएगा। और दोनों ही एक दूसरे पर लंब होता है, यानी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों सिस्टम जो है, ये आपका होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि एक दूसरे पर लंब। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे पर लंब, यानी कि एक दूसरे पर लंब, समझ गए? ये एक दूसरे पर आपका लंब होता है। ये आपका है 2D सिस्टम। क्या है ये? 2D सिस्टम, समझ गए? यानी कि 2-dimensional ज्योमेट्री का है, ये आपका है 2-dimensional ज्योमेट्री का, जिसको कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें यदि कोई पॉइंट P लीजिएगा, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट मिलता है, मान लीजिए कि आपका कोई एक पॉइंट P XY है, समझ गए? PXY है, तो ये जो X है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स को क्या बोलते हैं? एक टेक्निकल नाम क्लास 10 में भी आप लोग पढ़े थे, भुज कोटि, ऐसा कुछ पढ़े थे क्या? भुज किसको बोलते हैं? एक्स को क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। चलिए इसको लिखें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब 3-dimensional पे शुरू हो जाते हैं, समझ गए? अब किस पे शुरू हो जाते हैं? 3-dimensional पे, यानी कि 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ गए? 3-dimensional कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभ्यस्त बात है, इसमें कितना आपका रहेगा, कितना अक्ष रहेगा, कितना एक्सिस रहेगा? तो 3 रहेगा, 3 एक्सिस इसमें रहेगा, समझ गए? कितना एक्सिस रहेगा इसमें? 3 एक्सिस। पिछले क्लास में आपको बताया थे कि 2D से आपको मैक्सिमम क्या मिल सकता है? क्षेत्रफल, एरिया मिल सकता है। और 3D से आपको क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ गए? 3D से आपको क्या मिलेगा? तो वॉल्यूम मिलेगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में क्या पढ़े थे,
इसका नाम एक्स दिए थे, इसका नाम वाई दिए थे, और इसका नाम क्या दिए थे, जेड। और ये जो है ना मूल बिंदु आपका हो गया ओ, बल्कि इस तरफ लिख लीजिए, मूल बिंदु क्या हो गया बेटा, ओ। आप कहेंगे मास्टर साहब एक बात बताइए कि आप एक्स एक्सिस को इस प्रकार से लिखे थे, नहीं वाई एक्सिस को इस प्रकार से लिखे थे। एक्स एक्सिस में आपका क्या था कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों था ना, वाई एक्सिस में आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों है ना, तो आपका 3D में भी ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 3D में भी ऐसा होना चाहिए। तो 3D में आप क्या कीजिए, बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, आप इसको बढ़ा दीजिए इस तरह से, समझ गए। सपोज कि ये आपका हो गया एक्स डैश, आप इधर बढ़ा दीजिए वाई को, और ये आपका क्या हो गया वाई डैश, और इसको आप नीचे बढ़ा दीजिए, और ये बेटा क्या हो गया आपका जेड डैश, समझ गए क्या हो गया ये जेड डैश। तो इसमें भी देखिए तीन एक्स, आपका तीन अक्ष दिख रहा है, कौन कौन सा दिख रहा है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। ये तीनों ही एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाला भाई साहब आपका कहलाता है एक्स एक्सिस, ये वाला भाई साहब वाई एक्सिस, और ये वाला भाई साहब कहलाता है जेड एक्सिस। एकदम आपको बिल्कुल ही जीरो लेवल से उठा रहे हैं, समझ गए, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, इसमें आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी अभी तक नहीं होगी। यदि इसमें आपको दिक्कत परेशानी नहीं है, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो देखिए बेटा आपको क्या मिल गया, तो x o x डैश, y o y डैश, z o z डैश, समझ गए। इसको हम लोग बोले x एक्सिस, इसको हम लोग बोले y एक्सिस, और इसको हम लोग बोले जेड एक्सिस, और ये तीनों ही एक दूसरे पर मुचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी कि तीनों एक दूसरे पर क्या होता है बेटा, लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, यानी कि मुचुअली परपेंडिकुलर होता है, मुचुअली परपेंडिकुलर यानी कि परस्पर लंब होता है। मुचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि परस्पर ये क्या होता है, लंब होता है, समझ गए, परस्पर ये क्या होता है बेटा, लंब होता है, ठीक है। ये सब जैसे कि x एक्सिस y एक्सिस पे भी लंब है, z एक्सिस पे भी लंब है, y एक्सिस x पे भी लंब है और z पे भी लंब है, ये आपका मुचुअली परपेंडिकुलर होता है, समझ गए, मुचुअली परपेंडिकुलर होता है। और यहां पर देखिए तीन एक्सिस है ना, तो इसको डिनोट करने के लिए R क्रॉस R क्रॉस R, यानी कि R क्यूब से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, तीन एक्सिस है तो R क्रॉस R क्रॉस R, यानी कि R क्यूब से भी इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक। होप कि यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आप क्या कीजिए कि ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये बोलिए तो क्या हो गया, बोले x, मेरे साथ बोलिएगा, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया z, ठीक है, और ये आपका कटान बिंदु O, यानी कि ओरिजिन। O का मतलब क्या हो गया, ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु, ठीक है। आप देखिए इसमें देखिए आपका क्या है, ध्यान से देखिए, देखिए ना क्या बन रहा है, ये 3D जो है ना, 3D क्या है कि 3D मूवी अभी आप लोग कभी देखे हैं, 3D मूवी कौन, अरे 3 इडियट्स 3D मूवी थोड़े है जी, 2.0 निकल के 3D मूवी जो है ना,
3D मूवी देखिएगा तो उसके लिए आपको स्पेशल चश्मा दिया जाता है। आप ऐसे देखिएगा ना आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन जब आप चश्मा पहन कर देखिएगा तो जैसे कि यहाँ से बॉल फेंकेगा ना आप हाथ बढ़ा दीजिएगा कैच करने के लिए, मतलब आपको ऐसा एहसास हो गया कि बॉल आपके पास आ रहा। यदि ऐसे फाइव टानेगा ना आप पीछे हट जाइएगा, मतलब वो रियल एहसास होता है। ए सुनो, 3D मूवी में क्या होता है, रियल एहसास होता है। आजकल ऐसा कुर्व कुछ जो है ना कर्व करके आपका LED आ रहा है, LED जो कुछ आपका आजकल आ रहा है, LED TV आ रहा है, जो कि इसमें आप 3D मूवी आप उसमें आराम से देख सकते हैं, तो रियल एहसास होता है। लेकिन बात यह है कि हम लोग के पास एक प्लेन पेपर है, हम लोग के पास क्या है, एक प्लेन पेपर। जैसे इस जिस बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं ये बोर्ड 2D है कि 3D है, 2D, ये 2D बोर्ड है, और इस 2D में बताइए कि 3D हम आपको बताने जा रहे हैं। बोर्ड कितना है नोनो, 2D, और हम आपको क्या बता रहे हैं, 3D। तो ये जो है ना 3D बता रहे हैं, तो दो ठो तो दिक्कत नहीं है। ये तीसरा जो लंब होता है एक्चुअल में ये इस प्रकार से, ये लंब आपका इस प्रकार से, लेकिन ऐसे नहीं दिखा सकते हैं, तो इसीलिए इसको दिखाने के लिए इस तरह से टेढ़ा हम लोग खींचते हैं। हालांकि देखिएगा, हो सकता है कि कुछ टीचर आपको ऐसे भी करके बताए, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, और ये आपका एक्स एक्सिस। हो सकता है कि कुछ टीचर जो है आपको एक्स एक्सिस को इधर से भी दिखाएं, वो डिपेंड करता है, कुछ बुक में भी आपका ऐसा रहता है, तो ऐसा रहता है, रहने दीजिए। हम लोग जो पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट इस पे पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए आपका क्या है, देखिए आपको क्या है कि इसमें हम जो है ना एक घर बनाया, क्या बनाया है, घर, और उस घर में हम आपको जो है कि तीन सतह दिखा रहे हैं, तीन प्लेन हम आपको दिखा रहे हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये। आपको जो है ना कि इमेजिन करना है, आपको क्या करना है, इमेजिन करना है, ठीक है। ये क्या है कि आप देखिएगा, आप जब जो है ना कि आप यदि इन केस जिंदगी में कभी आपको इंजीनियर बनना हो, और जब आप जाइएगा और आप ले लीजिएगा, हाँ, उसमें जब ग्राफ पढ़िएगा ना ग्राफ, तो आपको जो है कि किसी भी एक चीज को देखिएगा तो कितने प्रकार से आप उसको देख सकते हैं, क्या क्या व्यू होगा आप उस तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए कि आप यदि घर का नक्शा बनवाते हैं तो किसी इंजीनियर से बनवाते हैं कि नहीं, बोलिए हाँ या नहीं। आप उस इंजीनियर से बनवाते हैं तो वो इंजीनियर जो आपको नक्शा दिखाता है, उस नक्शे में आपको हर एक चीज के एहसास हो जाता है कि आपका बाथरूम कितना बड़ा है, किचन कितना बड़ा है, आपका जो है ना डाइनिंग रूम कितना बड़ा है, आपका सोने वाला रूम कितना बड़ा है, सब कुछ का वो एहसास करा देता है। वो क्या करा देता है, एहसास। यदि उसके लैपटॉप पे देखिएगा, उसके कंप्यूटर पे देखिएगा, तो कई डायरेक्शन से आपको दिखा देगा, और आपका कैसा घर साल भर बाद बनना है वह आपको आज ही एहसास हो जाएगा, समझ गए, आज ही एहसास हो जाएगा। तो वो लोग 3D से भी ज्यादा डायमेंशन पे बनाता है। हम लोग यदि किसी फोटो को देखेंगे ना, हम लोग यदि किसी घर को देखेंगे तो आप मैक्सिमम उसका तीनों पार्ट देख सकते हैं, तीन पार्ट से आप ज्यादा नहीं देख सकते। आप यदि किसी घर को देखिएगा तो मैक्सिमम कितना पार्ट देख सकते हैं, तीन। आप तीन से ज्यादा पार्ट उसके देख ही नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर तीन पार्ट हम लोग देख रहे हैं। कितना पार्ट देख रहे हैं बेटा, तीन पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये जो XY है ना, XY है, तो इसको हम लोग बोलते हैं XY प्लेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, XY
प्लेन, एक्स वाई है तो एक्स वाई प्लेन हो गया, इसमें वाई जेड है तो इसको हम लोग बोलते हैं वाई जेड प्लेन, इसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं, इसमें जेड एक्स है तो जेड एक्स प्लेन बोलते हैं, या एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, समझ गए, जेड एक्स प्लेन, या फिर आप इसको, या फिर इसको आप एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हैं, समझ गए। होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, आप इसको नोट कीजिए। देखिए ये बेटा, अब आप लोग एक चीज फिर से देखिए, ध्यान से देखो नोनो, ध्यान से देखो, एक्स वाई और ये जेड, ये मूल बिंदु, हाँ ये मूल बिंदु, ठीक, देखिएगा आप मेरे साथ फोटो भी बनाते चलिए, ठीक है, आप बेटा मेरे नुनु मेरे साथ फोटो भी बनाते चलो, नहीं तो फिर बाद में नहीं बनेगा, मेरे साथ फोटो भी बनाते चलो, इतना हो गया, आप देखो फिर कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे, इधर देखो क्या किया, पहले ये लाठी खींचे, ये लाठी खींचने के बाद में फिर क्या करो, इस तरह से बनाओ, ठीक है, इस तरह से फिर एक बार बना लो, अरे बनाए थे तो एक दिन बनने से हो जाएगा, नहीं सर, फिर अभी आप लोग को हम बेसिक लेके जा रहे हैं ना, फोटो कैसे बनेगा इसी में तो पहले आपको सीखना है, अच्छा हम मिलाते हैं, इतना हो गया ना, हम देख लेना कौन सा लाइट कैसे बनाए हैं, ये ध्यान में रखना है, हो गया बेटा सबका, आप देखो ना, आप देखो बेटा इस तरह से क्या करना है, मिला देना, ये क्या बन गया आपका घनाभ के आकार का, क्यूबाइड बन गया, क्यूब आप तभी कर सकते हैं जब आपका दूरी क्या हो सबका समान, तभी ना आपका क्यूब होगा, नहीं तो क्यूबाइड कर सकते हैं, घनाभ आकार कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ रहना है, सबको मेरे साथ रहना है, ठीक है, अब देखिए सुनिए बाबू, ये जो है ना, ये भाई साहब पी, ये भाई साहब पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, कोऑर्डिनेट क्या है नोनो, पी एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, पी एक्स वाई जेड, चलिए वेरी गुड, चलिए ठीक है, पी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ओ से यदि इसका नाम आप ए दे देते हैं, ओ से ए का दूरी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, यदि इसका नाम आप बी दे देते हैं, यदि इसका नाम बी दे देते हैं तो ओ से बी का दूरी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, वाई, ओ से बी का दूरी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर, ओ से बी का दूरी किसके बराबर बेटा, वाई के बराबर, किसके बराबर नो, वाई के बराबर, ठीक है, ठीक है, वाई के बराबर, और ये वाला जो है ना वो, यदि इसका नाम आप दे देते हैं C, तो O से C का दूरी, O से C का दूरी किसके बराबर बेटा, Z के बराबर, किसके बराबर, Z के बराबर, किसके बराबर नो, Z के बराबर, ठीक है, ये है ना E कोना A, देखो जैसे घर का देखो, यदि E वाला कोना A है तो उधर ऊपर वाला कोना लेना, कौन सा कोना, उधर ऊपर वाला, उसका नाम क्या हो जाएगा, A डैश, क्या नाम हो जाएगा, A डैश, यदि ये A है तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, A डैश, यदि ये B है इधर वाले का नाम क्या हो गया, B डैश, यदि ये C है इधर वाले का नाम कितना हो गया, C डैश, समझ गए, ये A तो इधर वाले का A डैश, फिर देखो नुनू, ये B तो इधर वाले का कितना, B डैश, ये C तो इधर नीचे वाले का कितना, C डैश, क्लियर है, ठीक, अब देखो बेटा डैश वाली जब बात आ गई ना, तो डैश पे क्या हो जाता, माइनस, जैसे कि यदि हम लोग एक्स लेते हैं वाई लेते हैं तो एक्स वाई पे डैश नहीं तो दोनों प्लस होता है, और यदि एक्स पे डैश वाई पे डैश नहीं है तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस, है या नहीं,
डैश का मतलब क्या हो जाता है? बोलो माइनस। डैश का मतलब क्या हो जाता है? डैश का मतलब नुनू, डैश का मतलब माइनस, डैश का मतलब माइनस। अब यदि बोल रहा है कि बाबू रे जरा सब का चिन्ह बताइए, तो सिर्फ चिन्ह पूछ रहा है, चिन्ह क्या होगा? चिन्ह पूछ रहा है, चिन्ह क्या होगा? ठीक है, देखे नुनू, ये बेटा ये देखो, ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा, एडेस है ना, एक्स वाला डैश है ना, तो डैश का मतलब क्या दे दो? माइनस। डैश का मतलब क्या दे दो? माइनस। और इसमें तो तीन कोऑर्डिनेट होगा, तो वाई और जेड बेटा कितना हो जाएगा? प्लस प्लस। वाई और जेड कितना होगा? प्लस प्लस। चलो वेरी गुड। अब देखो बाबू, अब बीडेस ले लो, बीडेस बताओ तो पहले एक्स का कोऑर्डिनेट तो प्लस होगा, बी डैश है ना, तो माइनस और तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्लस। सी डैश है, एक्स का कोऑर्डिनेट बोलो बेटा प्लस, वाई का प्लस, और कितना हो जाएगा? माइनस। और कितना हो जाएगा? माइनस। और ये पी आपका प्लस 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 ही होगा। पी क्या होगा आपका? प्लस 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 होगा। क्या होगा दोनों? प्लस 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 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक चीज और आप देखिएगा, एक चीज आप और देखिएगा, और ये क्या देखना है तो आप यहां पर देखिए, ये x, ये y, और ये आपका हो गया z। ठीक है, अब सुनिए, ये बताइए तो x एक्सिस का समीकरण क्या होता है 2D में? बताइए तो y बराबर जीरो। 2D में x एक्सिस का समीकरण क्या होता है? y बराबर जीरो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? y बराबर जीरो और z बराबर जीरो, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो। ठीक, एनु 2D में बताओ तो y एक्सिस का समीकरण क्या होता है? x बराबर जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर जीरो और z बराबर जीरो। एनु z एक्सिस में क्या नहीं है? जेड एक्सिस में एक्स और वाई नहीं ना है, तो तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जीरो। और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। मान लो बेटा यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी एक्स वाई जेड, क्या है पॉइंट? पी एक्स वाई जेड। क्या है दोनों पॉइंट? पी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर यदि कोई बिंदु A है ना, तो O से A का दूरी कितना बेटा? x, बाद बाकी सब कितना हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो। बाद बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो। यहाँ पर यदि बिंदु y ले लो बेटा, बल्कि b ले लो, तो x जीरो हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कितना हो जाएगा? जीरो। यदि यहाँ पर कोई बिंदु c ले लो बाबू, c ले लो, तो x 0, y 0 और z कोऑर्डिनेट तो आपका z होगा, क्योंकि O से z की दूरी, O से C की दूरी आपका क्या कहलाएगा? z ही कहलाएगा ना। क्या कहलाएगा नुनू? z कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? z कहलाएगा। ठीक, अच्छा ये तो हम लोग एक्सिस पे लिए हैं, ये किस पे लिए हम लोग? एक्सिस पे। किस पे लिए नुनू? एक्सिस पे। यदि आप प्लेन पे लीजिएगा तब क्या होगा? यदि आप प्लेन पे लीजिएगा ना, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक आप कोऑर्डिनेट ले लीजिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मान लीजिए पी, पी तक ले लिया है ना, क्यू, ये हम लोग क्या ले लिए? क्यू, समझ गए? क्या ले लिए? क्यू। क्या ले लिए? क्यू। ये क्यू का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये किस प्लेन पे है? एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई होगा किस पे प्लेन है? एक्स वाई प्लेन पर है। तो एक्स वाई प्लेन पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा और z कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? जीरो। अब यहाँ पर ले लो एक बिंदु r, r ये किस प्लेन पे है? yz प्लेन पे। किस प्लेन पे है? yz प्लेन पे। तो यहाँ पर yz है तो yz होगा, प्लेन पर जो रहता है उसका कोऑर्डिनेट होगा, बाद बाकी के कितना हो जाएगा? जीरो। यानी कि इसमें बताओ नुनो क्या नहीं है? x नहीं है, तो 0 y z। इसी तरह से बेटा यहाँ पर यदि s है तो x z है ना, तो x होगा y नहीं होगा और z होगा, समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, इनको बोल रहे हो कौन सर? अरे बोलता ही नहीं कौन सर? आज बेटा सुबह आना 7 बजे। हाँ 7 बजे ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे मास्टर साहब एक बात बताइए कि यहाँ पर तो दो को पॉइंट ले लिए, एक बार तो एक्स वाई जेड लिखे, एक बार कहते हैं कि एक्स नहीं लिखेंगे, ये कैसे होगा? हवा में ये पी हवा में, ये पी जो है ना ई जो कोना है ई कोना हवा में, ई कोना आपका सतह पर नहीं है, समझ गए? ये वाला जो पी पॉइंट है बेटा ये कहाँ पे है? हवा में, ये सतह पर नहीं है। एकदम क्लियर हो गया? देर इज नो दिक्कत। इफ देर इज नो दिक्कत आप लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड नो देखो ए यहाँ पे देखो जी, आपको जितना भी पॉसिबिलिटीज है जिस तरह से आप आइए उस तरह से हम लोग तैयार रहेंगे। एक्स वाई जे ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है पी ए बी सी, एक पॉइंट क्या है पी ए बी सी ठीक है। बोलता है कि आप ए बी सी को दिखाइए, क्या बोलता है दिखाने के लिए? ए बी सी को दिखाइए। क्या करना बेटा? ए बी सी को दिखाना ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा आप, यदि हमको ध्यान से देखिएगा ना तो एक समय में आप भी जो है मास्टर बन जाइएगा ठीक है। क्या बन जाइएगा? मास्टर। देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट क्या लिए थे? पी। बोलो क्या लिए थे? पी। पी लिए थे ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट से नीचे लंब डालो, यहां पर आएगा, समझ गया? इस पॉइंट से एक लंब डालो, यहाँ पे डाले। बोलो देखो, फोटो बनाने का तरीका जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इस पॉइंट से यहाँ पर है ना लंब, लंब डाले ठीक है। ये जो है ना बेटा सुनो, ये जो है ना ये पूरा दूरी कहीं भी लो इस पे लंबे पड़ेगा, कहीं भी लेंगे तो क्या पड़ेगा? लंब ठीक। यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से इसको क्या किए? मिला दीजिए। क्या किए नुनो? मिला दिए। क्या किए बेटा? मिला दिए ठीक है। क्या कह रहे हो? इसको मिला दिए। ये वाला जो दूरी है ना ओ, ये वाला दूरी को हम लोग ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस दूरी को? ए। इस दूरी को क्या बोलते हैं बाबू? ए ठीक है। ये दूरी आपका कहलाता है बी। ये वाला दूरी क्या कहलाएगा? बी। और यहां से जो लंब डाले है ना, ये जो लंब डाले हैं, ये दूरी क्या कहलाता है? सी। क्या कहलाता है? सी। समझ गए? क्या तरीका बताया? पहले यहां से एक लंब डालो, यहां से इधर लंब खींचो, तब ये वाला दूरी पहला कोऑर्डिनेट, ये वाला दूरी दूसरा कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये दूरी आपका क्या कहलाता है? तीसरा कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? तीसरा कोऑर्डिनेट। होप कि यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। यदि आपको दिक्कत परेशानी नहीं है आप उसको नोट कीजिए। और अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ गए? क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले यानी कि बेटा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। 2D में तो बहुत आसान था ना, 2D में हम लोग क्या पढ़े थे? यदि मान लीजिए क्या किया आपका एक लाइन है, ये P X1 Y1 है, ये Q X2 Y2 है, तो PQ बराबर पढ़े थे अंडर रूट X1 माइनस X2 का स्क्वायर
प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। हाँ या नहीं? ये किसमें पढ़े थे हम लोग? 2D में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? 2D में। यदि यही चीज 3D में पढ़ना होगा तब क्या कीजिएगा? ये कोऑर्डिनेट हो गया पी एक्स वन वाई वन जेड वन और ये कोऑर्डिनेट हो गया क्यू एक्स टू ए। हम ए रहेगा ला रात सोने लगेंगे। ये आपका क्या हो गया एक्स टू वाई टू जेड टू। क्या हो गया नोनो? एक्स टू वाई टू जेड टू। ठीक, आपको क्या निकालना है? पी क्यू। क्या निकाला है नो? पी क्यू। देखो पी क्यू कितना हो जाएगा, यही फॉर्मूला होगा, बस इसमें जेड बढ़ गया है ना, तो इसमें जेड एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी कि एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर प्लस जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर। समझ गए? प्लस जेड वन माइनस जेड टू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। प्लस जेड वन माइनस जेड टू का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, एक एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट है P, एक दो तीन इसका कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट है Q, जीरो वन और फोर इसका कोऑर्डिनेट है, और आप बताइए कि पी क्यू निकालना है बेटा। ये बेटा पी क्यू निकालना है, बोलो तो कैसे निकलेगा पी क्यू? बोलो नंदू कैसे निकलेगा बाबू पी क्यू? एक से जीरो गया, वन माइनस जीरो का स्क्वायर, दो से एक गया, टू माइनस वन का स्क्वायर और तीन से चार गया, तो थ्री माइनस फोर का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि पी क्यू बराबर एक जोड़ एक जोड़ एक, यानी कि पी क्यू बराबर कितना निकल गया? रूट थ्री। कहने का मतलब है P से Q के बीच की दूरी कितना हो गया? कितना हो गया नोनो? दो रूट थ्री। समझ गए? कितना हो गया बाबू? रूट थ्री। ठीक है, होप ये क्लियर होगा। फटाफट नोट कीजिए और अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला ए यहाँ पे देखो हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र इसमें दो आता है, एक आता है इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन और एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन बाह्य विभाजन। क्लास 12 में जब आप लोग वेक्टर पढ़े थे तो बताए थे ना, उसको सिद्ध करके दिखाए थे। इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन। ए बाबू ए देखो यहां देखो इंटरनल डिवीजन यानी कि अंतर विभाजन। ठीक, देखो जी ध्यान से देखो बेटा, ये मान लो कि P X1 Y1 Z1 और ये Q X2 Y2 Z2 दो पॉइंट है और यहां पर एक पॉइंट है R। ध्यान से देखो नोनू, ध्यान से देखो R, ये X Y Z R का नोनू कोऑर्डिनेट कितना है? X Y Z। ए बेटा P को दो पॉइंट है, P से Q। ए आपका फ्रेंड कहां गया? घर आनंद है ना, ऐसे कैसे काम चलेगा, गड़बड़ा जाएगा। पी क्यू, पी का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है और क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू जेड टू और आर इसको बांट रहा है। आर इसको क्या कर रहा है? बांट रहा है। आर का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वाई जेड। आर का कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वाई जेड। और ये जो बांट रहा है ना, ये एम वन और एम किस अनुपात में बांट रहा है? M1 into M2। तो एक बात बताओ बेटा कि X किसके बराबर हो जाएगा? R का कोऑर्डिनेट बता सकते हो बेटा? R का कोऑर्डिनेट तब क्या होगा? R का कोऑर्डिनेट यानी कि R का कोऑर्डिनेट X है ना, X है, Y है, Z। R का कोऑर्डिनेट कितना है? X Y Z। ठीक है, इधर देखिए M1 X2 प्लस M2 X1 याद आ रहा है? Yes, क्लास 10 में जो पढ़े थे विभाजन सूत्र, yes, वही वाला यहाँ, कोई अजूबा नहीं है। क्लास 10 वाला है, वहाँ पे दो कोऑर्डिनेट में था,
और यहाँ पर तीन कोऑर्डिनेट है, इससे कोई अजूबा नहीं है। वहां पर भी याद कीजिए, जब अनुपात मांगता था तो हम लोग एम और एन कभी नहीं मानते थे, क्या मानते थे? तो बताइए, जब वहां पर बोलता था कि आप किस अनुपात में बांट रहा है, आप अनुपात निकालिए, एम एन नहीं मानते थे, के अनुपात एक, क्या मानते थे? के अनुपात एक। यहां पर भी आपको वही लेना है, यहां पर भी यदि अनुपात पूछेगा ना तो आपको एम और एन लेकर नहीं बनाना है, क्या लेकर बनाना है? के अनुपात एक या लेमडा अनुपात एक लेकर बनाना है, ठीक। अब देखिए तो ए बेटा बोलो तो एक्स एक्स बोलो तो क्या होगा, बोलो एम एक्स टू, बोलो मेरे साथ एम वन एक्स टू, बोलो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन। ए किसको ठीक हो रहा है बिन्नू? बाबूरे डराओ मत हम लोगों को। हाँ अब चलो y बोलो तो क्या लिखेगा, y बोलो तो y m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m और z क्या लिखेगा नूनो, m1 z2 प्लस m2 z1, m2 z1 बटे में m1 प्लस m, समझ गए? बटे में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m है नूनो। अब बताओ बेटा, यानी कि R का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? Therefore, कोऑर्डिनेट ऑफ R बराबर क्या हो गया बेटा, यही लिख दो। हाँ या नहीं? तो ये लिखना जरूरी है क्या? ये आप लिख लीजिएगा, समझ गए? क्या लिखना है, मुझे कि नहीं मुझे? ए बैग बंद नहीं करो अभी, अभी लंबा क्लास चलेगा। ये जो है एक्स वाई जेड का मान यहाँ पर लिख दो, मेरे पास चूंकि जगह का मैंने हट पाएगा इसीलिए आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको लिखिए, ठीक। अच्छा नोट, इफ आर बी दी मिडिल पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु। ए बोलो, यदि याद करो दसवा क्लास में मध्य बिंदु था तो क्या होता था, बोलो तो x1 plus x2 by 2, यही नहीं होता था, यहाँ भी वही होगा। घुमा देके लिखिएगा ना, आप घुमा देके लिखे कि नहीं, आप घुमा दिया ना बीच में, है ना? नो इफ r बी द मिडिल पॉइंट तब क्या होगा, देन कोऑर्डिनेट ऑफ आर, ए बेटा बोलो तो कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू बाय टू और जेड वन प्लस जेड टू बाय टू। जो वहां पर है थे सेम यहां पर है, बस यहां पर एक डायमेंशन आपका बढ़ गया, एक डायमेंशन आपका बढ़ गया, ठीक है, नोट कीजिए। आप चलो बेटा एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाय विभाजन, समझ गए? एक्सटर्नल डिवीजन यानी कि बाय विभाजन। इस प्रकार से देखिए, ये मान लीजिए कि P x1 y1 z1 और ये q x2 y2 z2 है, और इस बार जो है ना, इस बार r आपका बांट रहा है इसको दो भागों में, लेकिन अंदर से नहीं बाहर से बांट रहा है, समझ गए? बाहर से ये मान लीजिए कि आपका r है जिसका कोऑर्डिनेट है x y z, क्या बेटा कोऑर्डिनेट इसका, बोलो x y z, है नुनु? देखो बेटा P से लेकर R तक M1 और Q से लेकर R तक यह है M2, समझ गए? P से लेकर R तक कितना है M1 और Q से लेकर R तक कितना है बेटा M2 है। सब आपको X और Y लिखना है क्या होगा, तब X बराबर क्या होगा, Y बराबर क्या होगा, Z बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, बीच में क्या हो जाएगा माइनस, समझ गए?
फॉर्मूला वही रहेगा, बीच में हो जाएगा माइनस। हालांकि कुछ बच्चे की शिकायत आ रही है कि सर जब से बच्चा क्लासरूम में पढ़ने लगा और आप वीडियो बनाते हैं तो आप हम लोग की तरफ देखते ही नहीं है, हम लोग की तरफ मतलब कैमरा में नहीं देखते, इधर के वीडियो में देखिए अगर कुछ अंतर आ गया होगा आपको लगता है मास्टर हम लोग को नहीं देखते हैं, और कैमरा में देखने से लगता है कि हम आप ही को देख रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, बीच बीच में देख लेते हैं कैमरा में भी। ए बेटा बोलो तो x बराबर कितना हो जाएगा नोनो, बोलो तो बेटा m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2। अब दिखवा दो तो बेटा ये m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2, ये लिखाओ तो m1 कितना नोनो z2 ना, m1 z2 माइनस m2 z1 बटे में m1 माइनस m2, ठीक है। चूंकि इतना आसान है कि हमको लगता है कि हम इसमें क्या आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए, सिर्फ फॉर्मूला से मतलब था, फॉर्मूला सर आपको बता दिए, ये मोटा मोटी 41-42 मिनट का क्लासेस भी हो गया है, ठीक है, तो इतना काफी है। और कल आपको जो अगला क्लास होगा वह प्रॉपर आपका किसका चलेगा, 12 किसका चलेगा नोनो, 12 का, क्लियर है, किसका चलेगा बेटा 12 का, ठीक, 10 से 12 आपका क्लास चलेगा 12 का।